हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हेलो सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेके। ये काइंडनेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे ज़रूर रेजोनेट कर पाएंगे एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेके। एट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड, वेरी नाइस, वाओ, जस्टिस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेके। ऑनेस्टली बता दूं, आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेके ना बहुत अच्छे हैं। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत हार्डवर्किंग हो। पास में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई थी जिसके कारण आप थोड़े से डगमगा गए थे। आपने अपने ऊपर एफर्ट्स डालने कम कर दिए हो, आपने अपने काम के प्रति एफर्ट्स कम कर दिए हो एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सिचुएशन में स्टक हो गए थे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अच्छे डाल रहे हो, अधिक मात्रा में डाल रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो और अभी आप एक अग्रेसिव एनर्जी में हो कि मुझे करके दिखाना है। राइट, मुझे चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आए, मैं लड़ूंगी उस परिस्थिति से, मुझे करके दिखाना है। तो कहीं ना कहीं वो ये देख पा रहे हैं कि अब आप एक डिटरमाइंड पर्सनैलिटी हो गए हो। राइट, मुझे ऐसा लगता है शायद पास में आपके कुछ के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आई होंगी कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो गई होंगी, कहीं ना कहीं आप ऐसे फंसा हुआ महसूस करते होंगे, निकल नहीं पा रहे होंगे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसमें तो आप एक काफी अग्रेसिव एनर्जी में हो कि आ जाओ सामने कोई भी, मैं देख लूंगी, वैसी वाली बात है। तो ये वो फील कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो और किस चीज में नई शुरुआत कर रहे हो तो हर एक की सिचुएशन अलग होंगी। कुछ लव मैटर में हो सकता है, कुछ प्रोफेशनल मैटर में हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा आपको रिस्क लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन ये जो नई शुरुआत करो ना, बिल्कुल नई शुरुआत करिए और बिल्कुल डर से हटके करिए। सारी चीजें आपको मद्देनजर रखनी है, लेकिन अगर आप ये करोगे तो बिल्कुल परम खुश में चले जाओगे। मतलब आपको एनलाइटमेंट मिलेगी, आप अपनी लाइफ में सुखी हो जाओगे, आप एक सही राह पर चलोगे, एक सही पाथ पर चलोगे। अगर आप कुछ शुरू करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली वो करें। और यही आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में और ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर वो आपके साथ नई शुरुआत करेंगे तो अल्टीमेट हैप्पीनेस उनको इसी चीज में मिलेंगी, आपके साथ नई शुरुआत करके, आपके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आने के बाद उनको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेंगी। बट मुझे ऐसा लगता है ना, इस समय उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अग्रेशन की एनर्जी, एक स्टबन एनर्जी, आप इस एनर्जी में हो कि आपने अपने पास्ट के लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और इतना कुछ आपने अपनी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है कि उसके बाद ना आप एक मैच्योर सोल बन गए हो। मे बी हो सकता है कि आप एक मैच्योर सोल नहीं होंगे, पहले ऐसी एनर्जी में होंगे कि एक इनोसेंट वाली एनर्जी में, थोड़ी ठोकरें खाई होंगी आपने, लेकिन वो ठोकर खाते खाते ना आप इस एनर्जी में हो। आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है आपने अपनी मेहनत से किया है, अपनी हार्डवर्क से किया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप जस्टिस दोगे। हो सकता है पास्ट में उन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया हो, उन्होंने कुछ आपको दुख दिए हो, उन्होंने कुछ आपको तकलीफ दिए हो, तो अब आप हो सकता है कि उनको ऐसे इनोसेंट लेवल पर एंटरटेन नहीं करोगे। अब आप उनको अपनी लाइफ में एंटरटेन जरूर करोगे, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर, कुछ बाउंड्रीज पर। अब इस तरह की एनर्जी है, अब आप जस्टिस देने वाले में से हो, सामने वाले को भी जस्टिस और खुद को भी जस्टिस। और जो आपके साथ पहले इनजस्टिस हुआ है पहले उसको जस्टिफाई करो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब आप इस एनर्जी में हो इसलिए आपके पर्सन आपसे डरते हैं, आपके पर्सन को आप बहुत लकी लगते हो,
कि आप उनके लाइफ में हो तो उनके लाइफ में जो लक है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अगर आप उनके लाइफ में नहीं हो तो उनके लाइफ में लक काम ही नहीं करता है। ये कारण से हो सकता है जब से आपसे दूर हुए हैं या आपसे बातचीत कम हो रही है तो वो बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, आपके साथ प्रॉपर वे में रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करने की उनकी इच्छा है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ना पास में डेफिनेटली आपको चीट किया है या आपको किसी तरह का धोखा दिया है, और वो जो भी कुछ किया है ना उन्होंने आपके एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम को हिला दिया है। मे बी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहले आप ब्लाइंडली लोगों पर ट्रस्ट करते होंगे, पहले आप लोगों से प्यार करते होंगे, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं एक्सेप्ट कर लेते होंगे, उसी चीज़ को समझते होंगे जो चीज़ सामने वाला समझाना चाहता है, लेकिन अभी आप मेच्योर हो गए हो, अभी आप वो नहीं समझोगे जो सामने वाला समझाना चाह रहा है, अभी आप जो सामने वाला समझाना चाह रहे हो उसके समझाने के पीछे क्या इंटेंशन है अब आप वो समझोगे, है ना। तो ये सारा एक एक आपकी ग्रोथ हुई और ये सारी चीज़ आपके पर्सन ने ऑब्जर्व करी है, इसलिए आपके पर्सन ना आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं आपको, लेकिन एक बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, जिस चीज़ से आप रुके हुए थे ना वो चीज़ से अब आप रुके नहीं हो, अब अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको अपनी पेंटिकल्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको मटलिस्टिक चीज़ चाहिए, आपके जो भी मटलिस्टिक एम है वो आप बिल्कुल डेफिनेटली अचीव करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में हो। देखिए आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए आपको, सक्सेस चाहिए, अब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, ये आपके पर्सन को लगता है। पहले आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे, चाइल्ड लाइक एनर्जी में थे, इनोसेंट थे, लेकिन अब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, अब आपको सक्सेस चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आप एक स्टार हो, आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आपको हाईएस्ट फोर्स कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस देती है, कहीं ना कहीं प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। आप जो अपनी लाइफ में चाहोगे वो डेफिनेटली अचीव करोगे एंड स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा एंड बहुत अच्छा आएगा। तो ये सारी चीज़ें ना उनके दिमाग में आपको लेके चल रही हैं। कुछ गलत करने के बाद ना इंसान उस चीज़ से भाग नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्हें हॉन्ट करती है, तो यही शायद आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, स्ट्रैटेजी गॉडेस ऑफ द मून, वेरी नाइस, वाओ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वेरी वेरी नाइस। किस तरह की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं भाई जी, बताइए, गाइड करिए। ठीक है, आपके पर्सन को ना आप उनका जो एक्चुअली हार्ट चक्र है ना वो आप ही से खुला है, आप ही से ओपन हुआ है, तो आपके पर्सन के दिल में ना आपके लिए जेन्युइन जेन्युइन ट्रू लव है, जेन्युइन प्यार है। यहाँ पे देखिए देखिए कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर मैंने आपको बोला भी नहीं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस रीडिंग में देख के ना ये लग रहा है, ये देख के कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका जो हार्ट चक्र है ना वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुआ है आपकी वजह से, उनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हुआ है, जो बहुत टाइम से ब्लॉक पड़ा था वो ओपन हुआ है आपकी वजह से, तो यहाँ पे जो उनको हार्ट चक्र में हीलिंग मिली है वो आपकी वजह से मिली, तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। उन्हें बहुत एंग्जाइटी हो रही है इस समय, उन्हें एंग्जाइटी इस चीज़ की हो रही थी कि हो रही है कि आप उनके लाइफ में नहीं आए या आप उनके लाइफ में नहीं रहे तो क्या होगा आगे, तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, उन्हें पता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट के पार्ट हो, एक ही जर्नी के पार्ट हो एंड आप दोनों को आगे बढ़ना है, तो कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं शायद इस चीज़ के लिए। हो सकता है आपकी तरफ वो डेफिनेटली कोई कॉल लेने का सोच रहे हो, आने का सोच रहे हो, लेकिन आप अपनी पावर में हो, अब आप ऐसे ही एंटरटेन किसी को नहीं करोगे, एंड डेफिनेटली आपने जो लेसन्स लेने थे आपने कुछ लेसन्स डेफिनेटली बहुत अच्छे लिए हैं, जो मैं ये देख के समझ पा रही हूँ। एंड उन्हें ऐसा लगता है आप गॉडेस ऑफ मून हो, बहुत ब्यूटिफुल हो, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा बहुत ब्यूटीफुल है, राइट, तो आप गॉडेस ऑफ मून हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप में सारी मदरली क्वालिटी है, आप इमोशनल हो, राइट, यस,
एंड उन्हें आप अपनी लाइफ के ब्लॉसमिंग अबंडेंस लगते हो, आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल खत्म है, वैसी वाली बात है। आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में हर तरह का अबंडेंस है, हर सेंस में अबंडेंस है, ये वो फील करते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, उन्हें ऐसा लगता है कि आप में बहुत हिम्मत है। मुझे नहीं पता आपके लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन ये जो कार्ड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी की वाइब बताता है। अगर आपने टैरो डेक में ये स्ट्रेंथ की एनर्जी, इसका मतलब है कि आप ये हो, आप एक एक, एक स्ट्रॉन्ग लायन को टेम कर सकते हो, वेरी नाइस। आप एक अग्रेसिव लायन को शांत कर सकते हो, तो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, बहुत बढ़िया है आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ, उन्हें ये लगता है। और मुझे भी ये लग रहा है कि शायद आप ये हो, क्योंकि ये जो पास्ट की एनर्जी मैंने आपकी पढ़ी है, ये देखिए यही लग रहा है। रोमांटिक फीलिंग ना उनकी आपसे जागृत होती है, ऐसा लगता है उनके दिल में ना आप, उनके दिल में आपका दिल बसा हुआ है, सिर्फ इसको खोलने की देर है। बहुत रोमांटिक फील करते हैं वो आपसे। थॉट्स उनके काफ़ी अच्छे हैं आपको लेके। सॉरी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंस, जो आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा इधर उधर से। यहाँ से देख लेते हैं, सेक्सुअल फ्रीडम, सेरेंडिपिटी, आई एम सॉरी, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वाओ, द डिवाइन फेमिनाइन, सेक्सुअलिटी, वाओ, द सैक्रेड वुमन। मुझे ऐसा लगता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, आप शायद फेमिनिन एनर्जी में हो, आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है। उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है पास्ट में, जो मैं समझ पा रही हूँ। उन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे, बहुत हाई वो सेक्सुअली अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ पैशन फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, ठीक है। उन्होंने ये कनेक्शन इस समय सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को, उनका भी बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा भरोसा आ गया है अब भगवान पे, कि वो चाहे, यू नो ह्यूमन नेचर क्या होता है, हम सब भगवान के ही अंश हैं। हम सब कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि सब चीज़ों का कंट्रोल जो है वो परमात्मा के हाथ में है, इसलिए हम लोग अच्छे गलत कर्म कर बैठते हैं। तो यहाँ पे अब ये उन पहले ये चीज़ उन्हें नहीं समझती थी, अब ये चीज़ उन्हें समझ में आ गई कि उनके कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएंगी, ठीक है। सिचुएशन कंट्रोल में तब आएंगी जब भगवान चाहेंगे। तो अभी उन्होंने कनेक्शन सरेंडर कर दिया है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके साथ डेफिनेटली सॉल्व करना चाहते हैं, जो उन्होंने पास्ट में दुख दिए हैं आपको। उन्हें लगता है आप बहुत सैक्रेड वुमन हो, आप बहुत पवित्र आत्मा हो, आप बहुत पवित्र आत्मा इज नॉट द राइट वर्ड, पवित्र पर्सन हो। उन्होंने गलत पर्सन को धोखा दिया है, गलत पर्सन को दुख दिया है। आपके अंदर कुछ कुछ डिवाइन पावर्स आपके अंदर डेफिनेटली हो सकती है, जो ये कार्ड देख के लग रहा है और जो आपके पर्सन को लगता है। एंड येस yes, उन्हें आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, उन्हें आपकी स्किन बहुत ब्यूटीफुल लगती है, उन्हें आप अंदर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो, बाहर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, उन्हें आपकी स्किन बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आपका अपेयरेंस बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और जिस तरीके से यू नो कुछ ऐसा होता होगा, आप कहीं जाते होंगे तो जब हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं ना, तो एनिमल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं या बर्ड्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे आप वॉक कर रहे होंगे तो देखोगे कि रोज़ दो डॉगी आपके साथ आ जाते होंगे, तो ये कुछ ऐसा उन्हें फील होता है आपको देख के, राइट। उन्हें ऐसा लगता है कि आप में कुछ ना कुछ डिवाइन पावर है। मे भी ये हो सकता है कि डिवाइन आपको कई लेवल पे, कई टफ सिचुएशंस में बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो। एंड अगेन द सेम कार्ड इज सेम, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उनकी तरफ से, उनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आपसे ही जागृत होती हैं। वो आपको स्टार से कंपेयर करते हैं, वो आपको मून से कंपेयर करते हैं, उन्हें आप बहुत ही यू नो परफेक्ट लगते हो हर सेंस में। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।